भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तकों का ये जो कालजयी रचना संसार है उसका ये कालजयी ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथों के रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ये जो बुद्ध एंड इस धम्मा ये जो ग्रंथ है इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे मगध नरेश राजा बिंबिसार ने परिव्राजक सिद्धार्थ को ये समझाने की कोशिश की कि भाई ये जो आपकी उम्र है ये उम्र कोई संन्यास ग्रहण करने की उम्र नहीं है, लेकिन उसका उतना ही माकूल जवाब परिव्राजक सिद्धार्थ ने दिया। और सिद्धार्थ ने उनसे पूछा कि भाई इसकी क्या गारंटी कि कोई आदमी बूढ़ा होते तक जी ही ले, इसकी कौन गारंटी देगा और इसका क्या तात्पर्य है कि युवावस्था में ही काम भोगों में लिप्त होना चाहिए, विषय भोगों में लिप्त होना चाहिए। उन्होंने पूछा उनसे कि वो विषय भोग जो क्षणभंगुर है, अनित्य है, जिसको हमेशा के लिए जिया नहीं जा सकता, जो एक क्षण में उसकी लालसा पूरी करने के बाद फिर वो लालसा वैसी ही उत्पन्न होती है, ऐसे विषय भोगों में अपने आप को उलझा लेना ये किसी बुद्धिमान व्यक्ति के मस्तिष्क को पटने वाली बात नहीं है। और जब ये बात बड़ी दृढ़ता के साथ परिव्राजक सिद्धार्थ ने मगध नरेश राजा बिंबिसार को समझाई तो बिंबिसार ने परिव्राजक सिद्धार्थ के उस संकल्प को वंदन करके जाने लगे। जाते जाते उन्होंने ये कहा कि भाई जब कभी आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं तो फिर आप पाटलिपुत्र जरूर आइएगा, राजगृह जरूर आइएगा और यहाँ आपका स्वागत है। तो ये कहकर वे हाथ जोड़कर चल दिए। और अब आगे की बात, ये आगे की बात है, ये है प्रथम कांड का दूसरा भाग और दूसरे भाग का ये पांचवा अध्याय। देखिए पांचवें अध्याय का शीर्षक है शांति का समाचार। तो आइए जानते हैं कि शांति का समाचार क्या है। बाबा साहेब लिखते हैं, इसका ये पहला पद है, पहले पद में बाबा साहेब ने लिखा है कि जब गौतम राजगृह में एक कुटी बनाकर ठहरे हुए थे तो उसी समय पांच दूसरे परिव्राजक भी आए और उन्होंने भी उसके पास ही एक कोटी बना ली। इन पांच परिव्राजकों के नाम थे कौंडिन्य, अश्वजीत, बाष्प, महानाम तथा भद्दिक। ये आपको शायद इनका जो परिचय है वो बाद में फिर एक बार होगा। ये बौद्ध संस्कृति में और विशेष रूप से धम्म के निर्माण कार्य में, और जब पहली बार बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद, यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ ने, परिव्राजक सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जब पहली बार अपने धम्म को व्यक्त किए तो धम्म के निर्माण में भी इन पांच परिव्राजकों का एक बड़ा रोल रहा है। तो हम बाद में बताएंगे जब इस ग्रंथ में हम वहां तक पहुंचेंगे। अभी बस इनको समझिएगा कि ये पांच परिव्राजक भी राजकुमार सिद्धार्थ के पास वहीं पर आ गए जहां राजगृह में उन्होंने एक कुटी बनाई थी। तो उसी कुटी के पास इन्होंने भी अपनी एक कुटियां बना ली और वहीं पर रहने लगे। इन पांच परिव्राजकों में भी गौतम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और वे सोचने लगे कि इसकी प्रवृत्ति का क्या कारण रहा होगा। अब देखिए ये बात पूरे बौद्ध साहित्य में बार बार मिल रही है जब हम राजकुमार सिद्धार्थ के इस जीवन काल को देख समझ रहे हैं। तो जो कोई देखता है परिव्राजक सिद्धार्थ को तो इस बात के लिए बिल्कुल सोच में पड़ जाता है कि वो क्या कारण है कि ये इतना उम्दा युवक, ये इसने संन्यास क्यों ग्रहण कर लिया,
ये क्या कारण है? और इस कारण के साथ इनके मन में भी यही प्रश्न है, इन पांचों के मन में। राजा बिंबिसार की भांति ही उन्होंने भी इस विषय में प्रश्न किया। जब उसने उन्हें वो सारी परिस्थिति समझाई जो कि उसके प्रव्रजित होने का कारण बनी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ये सुना है। अब ये जो पांचों परिव्राजक जो हैं, इन पांचों परिव्राजकों ने जब वो बात सुनी, क्योंकि परिव्राजक सिद्धार्थ ने उन्हें वो बात बताई कि वो क्या कारण घटित हुआ, कि जिसके कारण मतलब वो शाक्य और कोलियों के युद्ध की बात, उनका पानी के लिए संघर्ष, और वो सब उन्होंने बताया उनको कि भाई ये सारी परिस्थितियाँ जो निर्मित होती गई, घटित होती गई, और फिर उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो परिव्राजक होकर अपने आप को घर से बेघर कर रहे हैं और देश छोड़कर वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और अब वे इधर राजगृह में हैं। तो ये पांचों परिव्राजक कहते हैं कि हाँ भाई, ये तो हमने भी सुना है। लेकिन फिर इन पांचों परिव्राजकों ने एक बात परिव्राजक सिद्धार्थ को बताई। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने तो ये सुना है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चले आने के बाद क्या हुआ? अब ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि परिव्राजक सिद्धार्थ और कपिलवस्तु से परिव्राजक बनकर जब निकल गए, और परिव्राजक बनकर जब निकल गए तो उसके पीछे वजह तो बड़ी वही थी कि शाक्य और कोली रोहिणी नदी के पानी के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ना चाहते थे, और राजकुमार सिद्धार्थ ने उसका विरोध किया, और उसके बाद वे शाक्य संघ के दंड के भागी बने और देश छोड़कर बाहर निकल आए। इन पांचों परिव्राजकों ने उनसे पूछा कि क्या आपको पता है, इस बात का पता चला आपको कि आपके वहां से आने के बाद वहां क्या घटित हुआ? तो सिद्धार्थ का उत्तर था नहीं। तब उन्होंने उनको बताया कि उसके चले आने के बाद कोलियों से युद्ध ठानने के विरोध में शाक्यों ने बड़ा आंदोलन छेड़ा। वे शाक्य जो अपने राजकुमार के कपिलवस्तु से निकल जाने के बाद बड़े शोक और विलाप में थे, उन सब ने मिलकर एक आंदोलन छेड़ा, और आंदोलन था जाहिर सी बात शाक्य संघ के खिलाफ, क्योंकि शाक्य संघ का यह निर्णय था कि रोहिणी नदी के पानी के लिए युद्ध किया जाए। तो उन्होंने शाक्य संघ के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा, और ये आंदोलन, इस आंदोलन में आदमी, औरतें, लड़के, लड़कियां सब इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इन्होंने जुलूस भी निकाले अपने आप अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, इन्होंने जुलूस भी निकाले, इन्होंने प्रदर्शन किए, और फिर वे नारे लगा रहे थे। देखिए, बाबा साहेब ने इसमें नारे लिखे हैं, वे नारे लगा रहे थे कि कोली और शाक्य भाई भाई है, उनके ये नारे थे। फिर वे कहते थे कि भाई का भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाना अनुचित है। फिर एक और उनका नारा था कि गौतम के जलावतन हो जाने को याद करो, कि गौतम इस देश को छोड़कर बाहर चले गए, घर से बेघर हो गए, एक राजकुमार, एक राजपुत्र, उन्होंने राजनगरी को छोड़ दिया, तो इस बात को याद करो, इसे याद करना होगा। शाक्य को लिए भाई भाई है, आपस में पड़ोसी हैं, और पानी के लिए युद्ध करना कोई अच्छी बात नहीं, और इसके लिए वहां के नागरिकों ने यह आंदोलन छेड़ा और शाक्य संघ का विरोध होने लगा। इस आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलाकर पुनः अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा, और इस समय बहुमत कोलियों से समझौता कर लेने के पक्ष में था। देखिए कि आप याद कीजिएगा, जब हम लोग इसी प्रसंग को पढ़ रहे थे तब राजकुमार सिद्धार्थ के पक्ष में मात्र एक व्यक्ति था, लेकिन बाकी सब राजकुमार सिद्धार्थ के खिलाफ थे। लेकिन अब पूरे शाक्य के संघ में सबके सब लोग इस पक्ष में थे कि कोलियों से समझौता किया जाए, क्योंकि बातचीत ये किसी भी द्वंद्व को, किसी झगड़े को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है, किसी तनाव को खत्म करने का अच्छा तरीका है बातचीत, और बातचीत के जरिए मसले हल होते हैं। यहां भी यही बात आई। फिर शाक्य संघ ने पांच जनों को अपना दूत चुना,
ये सुझाव भी देखिए उस वक्त राजकुमार सिद्धार्थ का था कि हम अपनी ओर से 3 लोग चुने, उनकी ओर से 3 लोग चुने, और ये हम अपनी ओर से 2 लोग, उनकी ओर से 2 लोग, और एक व्यक्ति जो मध्यस्थ हो, और ऐसे 5 लोगों का एक कमिटी बनाया जाए। अभी यहाँ शाक्य संघ ने 5 लोगों को इस कमिटी के लिए चुना, और उन्हें ये काम सौंपा गया कि वे कोलियों के साथ संधि वार्ता चलाए। अब यहां समझौते की बात आ रही है, और जब कोलियों को इसका पता चला तो वे बड़े प्रसन्न हुए। अब देखिए भाई, कोलियो तो ये चाहते थे कि भाई बातचीत के जरिए ये मसला हल हो जाए और कोई आपस में लड़े ना, क्योंकि लड़ना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जब कोलियों को इसका पता चला कि वे, तो वे बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने भी अपने में से 5 लोगों को चुना जो शाक्यों के दूतों के साथ संधि वार्ता चलाए। तो कोलियों की ओर से 5 लोग, शाक्यों की ओर से 5 लोग, ऐसे 10 लोगों की एक कमिटी बनी, और ये इस कमिटी को ये टास्क दिया गया कि भाई आप लोग बातचीत करें, संधिवार्ता चलाएं, और किस तरह इस पानी के मसले को हल किया जाए। दोनों ओर के दूत आपस में मिले और दोनों ने तय किया कि एक स्थायी पंचायत की नियुक्ति की जाए। देखिए 5-5 लोग इकट्ठे हुए और 5 लोगों ने इस बात के लिए हामी भरी कि हम लोग एक स्थायी कमेटी को बना ले, और फिर ये स्थायी कमेटी की नियुक्ति की जाए, और रोहिणी के जल को लेकर कभी यदि भविष्य में भी कोई झगड़ा हो तो इस पंचायत के सामने उसे रखा जाए। फिर कोई दूसरे बातचीत नहीं करेंगे, ये कमिटी उसके लिए बातचीत करेगी। आज भी देखिए कई पूरी दुनिया में जो आपस में द्वंद्व चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जहां टेंशन्स हैं, उसके लिए एक कॉमन कमिटी का निर्माण किया जाता है, और वो कमिटी इस तरह के जहां पर झगड़े होते हैं, द्वंद्व होते हैं, तनाव होते हैं, वहाँ दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने के लिए वो बातचीत करते हैं। और ये बहुत सही तरीका है और बड़े पुरातन समय से हमारे यहाँ चला आ रहा है, और ये देखिए कि बौद्ध काल की ये बात है और यहाँ भी इस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए पंचायत के सामने ही रखा जाए और पंचायत का निर्णय मान्य किया जाए, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, पंचायत जो तय करेगी वो तय। और इस प्रकार युद्ध का खतरा सदा के लिए शांत हो गया। जो कुछ कपिलवस्तु में हुआ था उससे गौतम को सूचित करने के बाद परिव्राजकों ने कहा, अब तो तुम्हारे लिए परिव्राजक बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तुम अपने परिवार में, अपने लोगों के पास वापस जा सकते हो। इन 5 परिव्राजकों ने जब उनसे कहा कि भाई जिस झगड़े के कारण तुम परिव्राजक बन गए थे, तो वो झगड़ा तो खत्म हो गया, अब तो कोई बात ही नहीं रही, तो अब तो तुम अपने परिवार के पास वापस जा सकते हो। परिव्राजकों का ये जो प्रश्न था सिद्धार्थ को, ये एक तर्क के आधार पर था कि भाई तुम्हारे पास अब कोई कारण नहीं है परिव्राजक बने रहने का, क्योंकि आपने तो जिस कारण से परिव्राजक ग्रहण की थी वो कारण ही खत्म हो गया। तो अब देखिए सिद्धार्थ का उत्तर क्या है। सिद्धार्थ कहते हैं कि इस शुभ समाचार से मुझे प्रसन्नता हुई है, मुझे हर्ष हुआ, मुझे आनंद हुआ कि आपने ये जो समाचार सुना है। फिर वो कहते हैं कि ये मेरी विजय है, क्योंकि ये प्रस्ताव तो सिद्धार्थ गौतम ने ही दिया था कि भाई एक कमेटी का निर्माण किया जाए और आपस में बातचीत करके इस मसले को हल किया जाए। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि ये तो मेरी ही विजय है, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। अब देखिए, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे परिव्राजक ही बने रहना चाहिए। तो गौतम ने उन 5 परिव्राजकों से पूछा कि तुम्हारा क्या कार्यक्रम है अब। तो उनका उत्तर था, हमने तपस्या करने का निश्चय किया है, तुम भी क्यों हमारे साथ शामिल नहीं होते। तो सिद्धार्थ ने कहा, शनह शनह, पहले मुझे दूसरे पथों की परीक्षा कर लेनी है। मतलब सिद्धार्थ गौतम परिव्राजक जो बने हैं, तो ये घटना तो घटित हुई, लेकिन उसके बाद उनका जो खोजी मन है, वो खोजी मन अब भी उस प्रक्रिया में शामिल है और उनकी अपनी योजना तय है। इन 5 परिव्राजकों ने कहा कि वे अब तपस्या के मार्ग पर जाने वाले हैं, वे तपस्या करने वाले हैं,
तो उनको ऑफर भी किया कि भाई आप भी हमारे साथ तपस्या करें, लेकिन सिद्धार्थ गौतम का कहना था कि नहीं, धीरे धीरे आऊंगा मैं, लेकिन पहले मुझे जितने मार्ग इस समय उपलब्ध है, लोग जानते हैं, उनकी थोड़ी परीक्षा करनी है, उनको सीख भी लेना है, उनको समझ भी लेना है। और तब वो पांचों परिव्राजक चले गए, वे तपस्या के लिए चले गए और राजकुमार सिद्धार्थ अपने नए मार्ग के खोज की ओर बढ़े हैं, देख रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो यहां पर रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की इसी फहरिश्त को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।